हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं विंटर कार्निवल में जो कि लगा था अभी के स्कूल में। तो पूरी फैमिली इनवाइटेड थी और हम लोग यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए। और बहुत ही अच्छा कार्निवल है जिसमें कि आप देख सकते हो कैम्पल राइड, फूड स्टॉल्स और बहुत सारे राइड्स वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सारा पीछे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ था। और ये अवि और अवि के पापा ड्रैगन राइड ले रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। आगे हम गए तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें कि आइटम्स से स्टेशनरी आइटम्स के स्टॉल्स थे। और आगे हम गए तो हमें वहाँ पे देखा कैंडी फ्लॉस का ये स्टॉल। और कैंडी फ्लॉस देखते ही अभी के मुंह में आ गया पानी और अभी को चाहिए था कैंडी फ्लॉस, तो हमने अभी को दिलवा दिया कैंडी फ्लॉस। और यहाँ पे बहुत सारे राइड्स थे, जंपिंग वाले, बॉल्स वाले, बहुत सारे गेम के स्टॉल्स थे जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और अभी हो गया हैप्पी ये कैंडी फ्लॉस लेकर। अब बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं आप पीछे कितने सारे लोग हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं। अब आ गए हम ट्रेन में, तो अभी यहाँ पे ट्रेन में बैठा है बट उसका ध्यान जरा कैंडी फ्लॉस पे है। और ये यहाँ पे ये ट्रेन एंजॉय कर रहा है और हमें बाय वगैरह कर रहा है। और फिर इस ट्रेन को एंजॉय करने के बाद हम गए कुछ खाने पीने के लिए। खाने पीने में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, फूड स्टॉल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए थे। डोमिनोज लगा था, प्रिंस पान का स्टॉल लगा था, चाट कॉर्नर। और फिर हमने लिया वहाँ से पाव भाजी, गोलगप्पे और ये पेरी पेरी मोमोज थे, ये भी बहुत टेस्टी थे। ट्रस्ट मी, इट वॉज़ वेरी टेस्टी। और यहाँ पर मैं खाती हुई, और ये बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हमने आगे जाके खाया मटर कुलचा, मटर कुलचा भी काफ़ी टेस्टी था। और बस पेट पूजा करने के बाद ही हमने थोड़ा थोड़ा सबने मिलके खा लिया। और उसके बाद हमें जाते जाते देखिए यहाँ पे चुस्की, तो चुस्की ली हमने रेनबो वाली जो कि इंजॉय कर रहे हैं सन्नी। और उसके बाद हमने थोड़े से पॉपकॉर्न लिए और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये विंटर कार्निवल जिसमें हम सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया। और थोड़ी सी आगे गए तो वहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे स्टॉल्स थी, जिन स्टॉल्स पे ये गेम्स अवेलेबल थी और ये गेम हम जीत के आए, उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले। ये अवि की मैम है जो कि उसको बता रही है कि अवि आपको कैसे थ्रो करनी है बॉल। और अवि ने भी यहाँ पे चिप्स और फ्रूटी विन किया। और फिर उसके बाद ये गेम खेली अवि के पापा ने और उन्होंने सब कुछ क्लीन बोल्ड कर दिया और हम जीते एक क्यूट सी डायरी और पेन। और बहुत ही मज़ा आया फ्रेंकली ये गेम खेलने में, इसमें बहुत इंटरेस्ट आया हम लोग को खेल के। तो ये हो गया सारा क्लीन बोल्ड। थ्री क्लासेस है, बस एक चांस और रहता है। All that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the street. So, अब हम आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल थे और इसमें श्री का स्टॉल था जिसमें कि 50% ऑफ था। और आगे यहाँ पे सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं स्टॉल्स, ये बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। ये जूट बैग्स का स्टॉल था जहाँ पे कि आप अगर जूट बैग लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। सूट्स थे और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे। ये स्टेशनरी की स्टॉल थी जहाँ से कि अभी ने बहुत ही क्यूट सी स्लाइम ली। और फ्रंकलिया का सामान बहुत ही क्यूट था और इनका इंस्टाग्राम स्टोर भी है, अगर आप परचेज करना चाहोगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो आइटम्स। और यहाँ पे हमारा ब्लॉग होने जा रहा है एंड, बट अभी बाकी है पिक्चर्स वगैरह सब यहाँ पे थोड़े से पोजेस। और अब जाते जाते अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलता, टेक केयर, बाय, सी यू।